लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर तीसरे दिन यूपीसीए और डीएएससीबी के बीच खेला गया, जिसमें यूपीसीए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर में सभी विकेट खोकर 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें यूपीसीए के लिए सोएब सिद्दीकी ने शानदार 78 गेंदों पर 100 रन बनाया, जबकि शांतनु ने 42 रनों का योगदान दिया। वहीं डीएएससीबी के अंकित साजिन ने 2-2 विकेट, राहुल, आरिस और शिवम ने 1-1 विकेट लिया। वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करते हुए डीएएससीबी के आरिश आलम ने 102 और सलब श्रीवास्तव ने 102 रन की शानदार पारी की बदौलत 39वें ओवर में 230 रनों के स्कोर से 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया, जिसमें यूपीसीए के शिवम शर्मा ने 1 विकेट लिए। आपको बता दें कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार डीएएससीबी के आरिश आलम को दिया गया। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, सचिव त्रिलोक रंजन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, मनीष सिंह, एजाज अहमद, अजय दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच हसन नदीम ने कहा, हसन नदीम, मैं यहाँ पे कोच हूँ लक्ष्य एकेडमी का। ये ऑल इंडिया प्राइज मनी चल रही है लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें विनर्स को 3 लाख और रनर्स को 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कौन कौन सी टीमें हैं इसमें? 2 पूल हैं और पहला पूल चल रहा है जिसमें डीएएससीजी दिल्ली, यूपीसीए, एनईआर और आपके ये उत्तराखंड। विजेता टीम को कितने का? 2 लाख रुपए वो विजेता टीम के लिए है और 3 लाख रुपए विजेता टीम। कब से कब तक चलेगा ये? 20 से 27 है।